कुल्लू के छात्र राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढालपुर में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में बच्चों को कई तरह की जानकारी दी जा रही है। शिविर में हर दिन अलग अलग रिसोर्स पर्सन द्वारा एनएसएस स्वयंसेवकों को जानकारी दी जा रही है कि वो लोगों की सहायता में किस तरह से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। कुल्लू में 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के दौरान बच्चों को सामाजिक बुराइयों, पर्यावरण और देशभक्ति के बारे में अवगत करवाया गया। शिविर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गड़सा की प्रवक्ता अमीला ठाकुर ने बतौर रिसोर्स पर्सन शिरकत की। उन्होंने बताया कि क्लास मेकिंग के जरिए बच्चों को उन कार्यों में सहायता मिलती है जिनके लिए वे कभी कभार बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरा मुख्य कार्य है वो है हमारे बच्चों को जो है कोलाज मेकिंग करवाना, जिसमें कि हमने इन्हें कुछ समाज से रिलेटेड टॉपिक दिए हैं, खास करके सामाजिक बुराइयों के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर और पेट्रियोटिज्म के ऊपर, देशभक्ति पे, और साथ में दोस्ती के ऊपर, जो कि यंगर जनरेशन का मुख्य रहता है आजकल के टाइम में। और इनके इस कोलाज मेकिंग के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं बच्चों को, जो इनको अपने एहसास अभी तक नहीं है, जो ये सोच भी नहीं पाए हैं, उनको जब इनको कोई टास्क दिया जाता है तो ये जब खोज करने लगते हैं, कोई पिक्चर्स ढूंढने लगते हैं, तो इनको एहसास होता है कि नहीं, हमारे जो सोच है वो कुछ अलग है या उस चीज़ के बारे में वो कुछ डेप्थ से सोचते हैं। एनएसएस प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि शिविर का उद्देश्य बच्चों की छुपी प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने कहा कि 7 दिवसीय शिविर के दौरान हर दिन विशेषज्ञों को यहां बुलाया जाता है जो बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है वो है बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। इसी उद्देश्य से हम जो 7 दिवसीय शिविर के दौरान रिसोर्स पर्सन को बुलाते हैं और ये रिसोर्स पर्सन विभिन्न विषयों के ऊपर इनको जो जानकारी देते हैं। बच्चों से और भी कई प्रकार के टास्क करवाए जाते हैं। इनके मुख्य जो उद्देश्य इस कैंप का है वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट करना। और इस कैंप के दौरान बच्चे स्कूल परिसर में ही 7 दिन तक रहते हैं और एक दूसरे के साथ किस प्रकार से किसी कार्य को किया जाए, ये सब बातें इनको जो है सिखाई जाती है। वहीं एनएसएस स्वयंसेवकों ने बताया कि शिविर में हर दिन उन्हें अलग अलग रिसोर्स पर्सन द्वारा कई तरह की जानकारी दी जाती है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।